शहर के शेखपुरा मोहल्ले स्थित झूलेलाल मंदिर में 16 जुलाई से चल रहे 40वां महोत्सव का समापन आज शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस दौरान शहर में भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा गाजे बाजे से निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बड़े तालाब पहुंची। इस दौरान काफी संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने व डरा धमका कर उससे रुपए व गहने हड़पने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि आरोपी झुंझुनू का अजाड़ी खुर्द निवासी अजीत कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार मीणा तथा चुरू का हमीरवास निवासी अमित पुत्र शीशराम जाट है, जिनके खिलाफ पीड़िता के पिता ने 21 अगस्त को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक जिला प्रमुख गायत्री कंवर की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, एएसपी रामचंद्र मुंड, जिला परिषद सीईओ राकेश कुमार सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बिजली, सड़क सब के बारे में तो यहाँ पे लोग, यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी सब समस्याएं बताई और यहाँ पे इसको लेकर लोग बहुत ही परेशान है। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सरकार जो काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए रोड़े बनती है और बहुत जल्दी बनने से पहले ही वो खराब हो जाती हैं। शहर के पिपराली रोड पर 21 अगस्त की रात स्कॉर्पियो की टक्कर से हुई बाइक सवार फोटोग्राफर धीरज कुमावत की मौत के मामले में शेखावटी छाया समिति ने आज एसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोपी स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार करने व मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई, जिस पर एसपी ने भी उन्हें उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। बता दें कि पिपराली रोड से पुलिया की तरफ जाते समय स्कॉर्पियो की टक्कर से कुमावतों का मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय धीरज घायल हो गया था, जिसकी बुधवार को जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सीकर जिला भवन मजदूर यूनियन सीटू ने आज मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए व पेंशन 10,000 रुपए करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ढाका भवन से रैली के रूप में श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे, जहां अपनी मांगों को लेकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि शुभ शक्ति छात्रवृत्ति और मृत्यु उपरांत सहायता व प्रसूति योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के साथ निर्माण मजदूर का बजट अन्य योजनाओं में नहीं लगाया जाए, मजदूर विरोधी श्रम कानून भी वापस लिया जाए। काफी देर प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सहायक श्रम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान यूनियन जिला महामंत्री ब्रज सुंदर जांगीर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पवन मोदी का आज कायस्थ समाज की ओर से स्वागत व सम्मान किया गया। समाज के लोगों ने उनके निवास पर जाकर उन्हें माला पहनाते हुए गुलदस्ता भेंट किया व शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व पार्षद गोकुल प्रसाद माथुर, योगेश माथुर, ओम प्रकाश माथुर, अशोक माथुर, मनोज माथुर, राजेंद्र माथुर उर्फ कालू, गिरीश माथुर, बनवारी लाल माथुर, बीके कुलश्रेष्ठ, राजू माथुर, कपिल माथुर, दिनेश श्रीवास्तव सहित कई लोग मौजूद रहे।